हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। मेरा नाम है आलोक पांडे। आई एम द डायरेक्टर ऑफ एडवांस एकेडमिक्स एंड एचओडी ऑफ केमिस्ट्री। चलो बात करते हैं आज कि केमिस्ट्री की पढ़ाई कैसे की जाए। बच्चों, एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। आप लोगों में से कुछ बच्चों के प्री बोर्ड्स हो भी गए होंगे, कुछ लोगों के प्री बोर्ड्स होने वाले होंगे। आप लोगों ने सीबीएसई लेवल पर अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी के कुछ कॉन्टेंट को डिटेल में पढ़ लिया होगा, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी इंटेक्स को, एक्सरसाइज को कर लिया होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या आप लोग पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं, तो नहीं। हर बच्चे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में, किसी ना किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ ही रही होगी। एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या कि हम लोग पूरी तरह फोकस नहीं हैं। हम लोगों की जो पढ़ाई है वो इतनी डिटेल में नहीं हो पा रही है, इस तरीके से नहीं हो रही है कि मार्क्स आ पाएँ। दैट मीन्स स्मार्ट स्टडी नहीं हो पा रही है। स्मार्ट स्टडी तब होगी जब हम प्रॉपरली फोकस्ड होंगे, प्रॉपर वे में एफर्ट्स डालेंगे, सही जगह सही टाइम इन्वेस्ट करेंगे। अब कैसे की जाए पढ़ाई, चलिए। मेरा नाम है आलोक पांडे, मेरे साथ आप लोग जरा डिस्कस करें कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है। चलिए मैं स्टार्टिंग से बात करता हूँ। सबसे पहले, क्या आपको पता है कोर्स में कितना कॉन्टेंट अलग हो गया है, मतलब डिलीट हो चुका है? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, जो बहुत ही बड़ा चैप्टर हुआ करता था, उसकी वेटेज 4 मार्क्स हुआ करती थी। काफ़ी मुश्किल न्यूमेरिकल्स उसमें होते थे। शायद आपको पता होगा न्यूमेरिकल्स में टोटल पहले 4 चैप्टर थे, सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें से खुशी की बात यह है कि एक चैप्टर और एलिमिनेट हो चुका है, एक चैप्टर और रिमूव हो चुका है। अब बचे हैं सिर्फ 3 चैप्टर, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। अब न्यूमेरिकल पार्ट बहुत माइनर है। अगर आपने थोड़ा सा एफर्ट डाला, थोड़ा सा कैलकुलेटिव मेथड यूज़ किया, थोड़े से ट्रिक्स यूज़ किए, तो न्यूमेरिकल्स में गलती होने के चांसेस ही नहीं है। चलिए सबसे पहले एक एक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर, सॉल्यूशन चैप्टर में बच्चों कुछ पार्ट आप लोगों ने 11th में किया हुआ है, जैसे कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आपने मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। वो सारा का सारा सॉल्यूशन चैप्टर में एज इट इज़ है। कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे 11th के चैप्टर 1 के एज इट इज़ चैप्टर 2 सॉल्यूशन में 12th के आ चुके हैं। और इसके बाद थोड़ा सा आगे मूव करें तो रॉल्स लॉ, हेनरी लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर थोड़ा एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन, जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप ध्यान से करें तो बहुत फायदा होगा। अगर हम बात करें एनसीईआरटी एक्सरसाइज की, तो क्वेश्चन नंबर 2.4 से लेके 2.22 तक ये क्वेश्चन कम से कम 4 to 5 टाइम्स बोर्ड में रिपीट हो चुके हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, 4 to 5 टाइम्स रिपीट हो चुके हैं। अगर हम बात करें कि हाँ, वेंट ऑफ फैक्टर क्या हार्ड है, यस, क्या उस पर क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ, उस पर क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में आ रहे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 जो लास्ट क्वेश्चन के आसपास है, उसके पहले के लास्ट के 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज के आपको जरूर करने हैं। अगर मैं बात करूँ इंटेक्स की, तो 2.1 से 2.5 तक जरूर ट्राई करने हैं। अब हम आते हैं चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, चैप्टर नंबर, अब हमारा वो 2 हो गया, वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी वो चैप्टर नंबर 3 है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में अगर आप ध्यान से देखें तो उस चैप्टर के अंदर बेसिक चीज़ें क्या हैं, आप लोगों को गैल्वेनिक सेल पता होना चाहिए, रिडॉक्स कपल के बारे में पता होना चाहिए, ईएमएफ कैलकुलेट करना आना चाहिए, गिब्स एनर्जी पता होना चाहिए, उससे रिलेट करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आना चाहिए, आगे चलेंगे तो फैराडे लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए। और डिटेल में अगर हम जाएं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों को रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, इसके ऊपर क्वेश्चंस, रिलेटिव कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो बच्चों आगे की बात करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर मैं आपको बोलूं तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है 3.5 वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3.2, 3.5, 3.7, अगर मैं लास्ट में जाऊं तो 3.12, लास्ट के टू क्वेश्चन में AgNO3 जो इलेक्ट्रोड के बेसिस पे क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसको आप जरूर करें। अच्छा, बात करते हैं आगे की। बच्चों बहुत इजी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में, अगर आपको EMF कैलकुलेट करना आता है तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। हाँ, इस चैप्टर में थोड़ा सा टफ होगा उन बच्चों के लिए जिनके पास मेडिकल स्ट्रीम है और मैथ से थोड़ा सा नाता टूट चुका है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है। बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक इंटीग्रेशन अगर आपको आती है तो आराम से केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ सकते हो। सबसे बेसिक केमिकल काइनेटिक्स में है रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम रिएक्शन के रेट को जानते हैं, रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज रेट और आपका इंस्टेंटेनियस रेट, ग्राफिकल क्वेश्चंस, इसके अलावा आप रेट कांस्टेंट, ऑर्डर निकालना, ये सब
चीज़ें अगर ईजिली कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आगे मूव करेंगे तो केमिकल काइनेटिक्स में टॉपिक आता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर अगर हम देखें तो छोटे मोटे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, जैसे कि अरिहंट इक्वेशन, उसके ऊपर टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में करनी है। अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज की, हाँ जी, चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज में 4.2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए वो चैप्टर 3 हो गया, लेकिन वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी चैप्टर 4 है। 4.2 पे ध्यान दें, 4.5 के ऊपर ध्यान दें, 4.9, 4.10, 4.14, 4.16, 17, 18, 19, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आगे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है SO2Cl2 वाला, उसके ऊपर जो है क्वेश्चन प्रेशर और टेम्परेचर टाइम के रेस्पेक्ट में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जाएं तो लास्ट के 6 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 22 से 27 काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो बच्चों ये हुई बात न्यूमेरिकल चैप्टर की, फिजिकल केमिस्ट्री की। न्यूमेरिकल्स में आप लोग अगर एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ अगर इसी कॉन्टेंट को ध्यान से देखें तो यही आप इसको स्मार्टली करें। अब क्या इसे करने से मार्क्स आ जाएंगे न्यूमेरिकल्स में? नहीं। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स जरूरी नहीं है एनसीईआरटी से आए, और ऐसे में आप फंस सकते हैं। तो कहाँ से न्यूमेरिकल्स करें? तो बच्चों न्यूमेरिकल करने के लिए अब टाइम नहीं बचा है कि आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे या इन डेप्थ क्वेश्चंस को करें। अब टाइम बचता है स्मार्ट स्टडी का। तो आप लोगों को अरिहंत के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ आई है, और अगर मैं बात करूं तो अरिहंत ने CBSE सैंपल पेपर निकाले हैं आई सक्सीड के नाम से। आई सक्सीड के सैम्पल पेपर्स में 3 स्टेजेस हैं। स्टेज नंबर 1 की अगर मैं आपसे बात करूं तो उसमें क्वेश्चन सॉल्यूशन डिटेल में दिया हुआ है। आगे मैं बात करूं आपसे आगे स्टेज 2 की, तो उसमें पहले क्वेश्चंस दिए हैं, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लें, फिर उसके सॉल्यूशन को मैच ऑन करें। लास्ट में है अनसॉल्व, और उसको भी आप स्कैन करके वेब के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू आप इसका सॉल्यूशन अरिहंत से सपोर्ट में ले सकते हैं। अब हम बात करें क्या कुछ चेंजेस भी आए हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि न्यूमेरिकल्स में, या अगर मैं वैसे बात करूं तो क्वेश्चन के पैटर्न में भी चेंजेस आ गए हैं। टोटल जो क्वेश्चन आते थे वो 27 आते थे, अब वो 37 हो गए हैं। क्या चेंजेस आए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। सबसे पहले क्वेश्चन 1 से 20 तक सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क के हो चुके हैं, जिसमें भी 4 टाइप हैं। सबसे पहला टाइप 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें पैराग्राफ की, तो पैराग्राफ में आपको पूरा डिटेल कोई टॉपिक का दे देगा, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री गैल्वेनिक सेल का दे दिया, या आपका बायोमोलिक्यूल चैप्टर से दे दिया, कोई ऐसी चीज जिसकी डिटेल आपको ऑलरेडी एनसीईआरटी से लिंक अप हो। अब उस पर 5 क्वेश्चन वो पूछ लेगा जिसका 1-लाइन आंसर होगा, बहुत हार्ड नहीं होता ये, ठीक है, वैल्यू बेस्ड टाइप के क्वेश्चन ही है। सेकंड टाइप आता है आपका कि 1-वर्ड आंसर है, जैसे आपसे कोई भी चीज़ पूछ लेगा कि बताओ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, आपको बोलना है रेट, दैट्स इट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे 1-1 वर्ड आंसर हैं। फिर आता है क्वेश्चन MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो उसमें क्या होगा, कोई आंसर ठीक होगा, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप है, टिक करना है। अब लास्ट में आता है असर्शन रीजन, 1 मार्क में मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक असर्शन रीजन आ रहा है, जिसमें असर्शन के 4 तरीके से ऑप्शन आपको देने होते हैं। पहला, असर्शन सही है, रीजन भी सही है। दूसरा, एसर्शन सही है लेकिन रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा, एसर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है। चौथा, रीजन सही है, एसर्शन ही रॉन्ग है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको बताऊं, ये पहले एम्स में ही बेसिकली पूछा जाता था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इन 5 क्वेश्चनों के लिए आपकी इन डेप्थ नॉलेज या बेसिक पे कंट्रोल बहुत होना चाहिए, यहाँ पे आके थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी। अब हम आगे बात करते हैं। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 27 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है बच्चों, प्रीवियस ईयर अगर आप ढंग से इसे करते हैं या वैसे ही प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर की, तो आपको बहुत फायदा होगा। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर क्वेश्चन नंबर 32 तक क्वेश्चन नंबर 34 तक आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। उसमें भी ज़्यादातर क्या होता है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन ही आप समझे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछ लेगा, या 3 उसके पार्ट पॉइंट्स होंगे, 1, 2, 3 करके उसे आपको बताना होगा। अब आते हैं 5 मार्क्स में, तो वही 3 क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको इंटरनल चॉइस जरूर मिलती है, क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37। तो बच्चों पैटर्न में थोड़ा सा अगर आप देखें, अगर आपका माइंड इंटेलेक्चुअल है, मतलब आप बहुत आसानी से गेस कर सकते हैं आंसर्स को, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आसानी से आप टिक कर लेंगे। लेकिन अगर आपका माइंड थ्योरेटिकल है और आपको समझ नहीं आता है कि आंसर ये सही है या दूसरा सही है, गलती है या नहीं है, कहीं आप गलती कर तो नहीं रहे हो, मतलब कंफ्यूजिंग माइंड अगर आपका है, तो बच्चों परेशानी की बात है। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। अब बात यह है कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करें कहाँ से, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। वैसे अरिहंत की ऑल इन वन सीरीज है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि इतने क्वेश्चंस कहाँ तक करेंगे, थ्योरी भी करें ऑब्जेक्टिव भी करें, टाइम तो है नहीं। तो बच्चों स्मार्टली सोचो, हर एक क्वेश्चन में आप ये सोचो कि इसमें ऑब्जेक्टिव बन क्या सकता है,
कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैं आपको कोई भी एग्जांपल लेता हूँ, न्यूमेरिकल चैप्टर का ही ले लेता हूँ। अब जैसे क्वेश्चन आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डील्स विद, किस तरह का सॉल्यूशन है, सॉल्यूट उसमें वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल दोनों का मिक्सचर है, या प्रॉपर्टीज कुछ और सोच लें। तो इस तरह से आप अपने आप माइंड में ऑप्शंस बनाएं। कोई भी चीज़ आपके दिमाग में आती है कि भाई टेम्परेचर पे उसका क्या इफेक्ट होता है, तो बढ़ता है, घटता है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, तो इस तरह के पॉइंट्स आप खुद बनाएं। चलिए, ये तो हुआ हमारा कंटेंट का, हमें पढ़ना कैसे है। अभी मैंने आपसे बात की थी सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री की, आगे बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत खुशी की बात है, इनऑर्गेनिक भी आसान हो गई। इनऑर्गेनिक में अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे, वैसे तो सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल में इंक्लूड किया जाता है, सरफेस केमिस्ट्री में बेसिकली है कुछ नहीं, थ्योरी पार्ट्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं। अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों सबसे पहले आता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। आइसोलेशन में आपको बेसिक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि किस कॉन्टेंट को, किस डेफिनेशन को कहाँ अप्लाई करना है। जोन रिफाइनिंग हो गया, वेन आर्कल मेथड हो गया, बेसिक डेफिनेशन हो गई, डाइल्यूशन है कि बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड है, डिस्टिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ ओर्स के नाम पता होने चाहिए, सल्फाइड ओर, ऑक्साइड ओर, तो मुश्किल नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर। एक एलिंगम डायग्राम है, उसका एप्लीकेशन थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, टेम्परेचर के बेसिस पे कौन रिड्यूसेबल है, कौन रिड्यूसेबल नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला चैप्टर है आपका पी ब्लॉक। पी ब्लॉक चैप्टर नंबर 7, जो पुराने टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो पी ब्लॉक में चैप्टर में ग्रुप 15 सबसे टफ हुआ करता था, जिसमें हैबर प्रोसेस आता था, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस आती थी जो बहुत टफ होती थी, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस में डिफरेंस, सब एलिमिनेट हो गया है। पी ब्लॉक इतना ईजी हो गया है कि मजाक हो चुका है। उसमें हम बात करेंगे ग्रुप 16 की। ग्रुप 16 में चैल्कोजेंस जिसे कहते हैं, आप बहुत ईजिली इसको पढ़ सकते हो। ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना सीख लो, कुछ बैलेंस रिएक्शन सीखनी है आपको। ग्रुप 17 में आ जाएं तो हैलोजन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, कुछ प्रिपरेशन देखनी है। ग्रुप नंबर 18 की अगर मैं बात करूं तो उसमें नोबल गैसेस के बारे में पढ़ना है, जीनोन के कंपाउंड्स आपको पढ़ने हैं, सारी रिएक्शंस देखनी है और स्ट्रक्चर्स। और एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 34-35 क्वेश्चंस के आसपास उसमें है, बहुत इजीली आप कर लोगे। तो मुझे लगता है पी ब्लॉक अच्छे से कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे चैप्टर की, डी एंड एफ ब्लॉक की। डी एंड एफ थोड़ा सा टफ आपको पढ़ सकता है, चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें प्रॉब्लम क्या है कि काफ़ी चीज़ें रटने वाली हैं। लेकिन अगर आप देखें तो डी ब्लॉक एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक वैकेंडी ऑर्बिटल, वेरिएबल वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर बनाना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना, इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स बनाना, तो इसके ऊपर भी आप आसानी से कर सकते हो। इंटरस्टीशियल कंपाउंड के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो उस प्रॉपर्टी को अगर आप डिटेल में पढ़ लेते हो एक बारी तो सारा कुछ आपको इजीली समझ आ जाएगा। कलर और डायपोल मूवमेंट को जरा ध्यान रखें। आगे हम बात करते हैं कि डी ब्लॉक में और क्या आता है। बच्चों एफ ब्लॉक एलिमेंट भी है डी ब्लॉक के साथ, जिसमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्सिक्वेंसेज दोनों के, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनॉइड से ज़्यादा क्यों होता है, इसके बाद अब क्या आता है टफ उसमें, वो ध्यान से सुने। पेज नंबर 224 एनसीईआरटी से लेकर 227 तक, इन पेजेस में आपको K2Cr2O7 ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल्स हैं, K2Cr2O7 और KMnO4, इन दोनों की प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शंस। MnO4 के ऊपर जैसे अभी क्वेश्चन आया था कि आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करने में KMnO4 का क्या रोल है, तो उसको रिएक्शन से बताएं, ठीक है। Fe2+ को Fe3+ में कैसे ऑक्सीडाइज करता है वो बताएं। इसके ऊपर क्वेश्चन और भी आया है कि जैसे अगर मैंगनेट और परमैंगनेट आयन का कलर बताएं, तो परमैंगनेट जैसे पर्पल होता है, मैंगनेट आयन ग्रीन कलर का होता है, तो वो सब चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो डी ब्लॉक में आप कुछ चीज़ें ध्यान रखें और एनसीईआरटी एक्सरसाइज करें, आपको ना प्रीवियस ईयर करने की ज़रूरत है ना कुछ और करने की ज़रूरत है, डी ब्लॉक टोटली एनसीईआरटी से आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चार तरह के टॉपिक आते हैं। सबसे पहले आपको कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, उसका नॉमेनक्लेचर आना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू अगर हम बात करें तो उसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आनी चाहिए। तीसरी अगर मैं बात करूं तो आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। और अगर मैं चौथी आपसे बात करूं तो मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं। चैप्टर फिनिश हो गया। अब आते हैं सेकंड बुक जिसमें ऑर्गेनिक आती है। बच्चों ऑर्गेनिक की वेटेज बढ़ गई है। ऑर्गेनिक की वेटेज पहले 18 नंबर होती थी, अब 22 मार्क्स के चार चैप्टर ही हो गए हैं, तो थोड़ा सा आपको ऑर्गेनिक पे ध्यान देना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी इजी नहीं है क्योंकि उसका मेन जो लिंकअप है वो 11 के दोनों चैप्टर्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन से है। अगर आप वो चीज़ें ढंग से नहीं जानते, आपको आइसोमेरिज्म नहीं पता, आपको इंडक्टिव रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन के बारे में नहीं पता, आप नॉमनक्लेचर में वीक हैं, तो प्रॉब्लम आएगी। पहले आप 11 का अच्छे से कवर करें, फिर आप हेलो एल्केन चैप्टर पे आएँ। हेलो एल्केन चैप्टर में आपको बेसिकली SN1 SN2 मैकेनिज्म अच्छे से समझ आना चाहिए,
चाहिए, उसकी एप्लीकेशन समझ आनी चाहिए, कुछ हेलोएरिन्स की प्रिपरेशन है, और जैसे कि आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, उसके बारे में होता है। अब हम बात करते हैं अल्कोहल चैप्टर की। अल्कोहल चैप्टर ईजी है, बट अल्कोहल फिनॉल के अलावा जो ईथर है उसमें HI की क्लीवेज रिएक्शंस बहुत आती हैं, और वो दोनों मैकेनिज्म भी बहुत आते हैं कि टर्शरी के साथ कैसे होगा और प्राइमरी के साथ कैसे होगा। दैट मीन्स वहाँ भी SN2 SN1 ही अप्लाई होगा और आपको वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे टफ चैप्टर और सबसे बड़ा चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्डिहाइड कीटोन की इंडिविजुअल प्रिपरेशन और कंबाइंड प्रिपरेशन पढ़ते हैं और कुछ मैकेनिज्म देखते हैं उसमें, एस्टर के बारे में जैसे पूरी डिटेल में पढ़ते हैं और एक्सरसाइज को थॉरली कर लेते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रॉब्लम नहीं करेगा। जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आप हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग भी कहते हो, ये आपके इसी चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें NCERT के इंटेक्स, सॉल्ड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 20 और ऐसे ही 2-4 और क्वेश्चन जो काफ़ी डिटेल में ABCD वाले हैं, आपको जरूर करने हैं। इसके बाद करते हैं अमाइंस की बात। ये बहुत ही डिफरेंट चैप्टर है। अगर मैं बात करूँ अमाइन चैप्टर की, तो अमाइन चैप्टर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उस पर क्वेश्चन ही कॉन्सेप्चुअल बनता है। डायजोटाइजेशन क्या होता है, डायजोटाइजेशन में टोटोमेरिज्म का यूज़ कैसे होगा, क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद उसमें आपसे वो भी पूछेगा कि भाई ये डायजोटाइजेशन का ये प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, जैसे कि वॉर्म H2O के साथ डाइजोनियम सॉल्ट को डालते हैं तो अल्कोहल बनता है, AgCN डालते हैं तो चेंज क्यों हो जाता है, तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। चलिए आगे बात करते हैं, ऑर्गेनिक में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो जाएगा। अब हम बायोमॉलिक्यूल चैप्टर की बात करें, जो कि आपका बायोलॉजी वाले स्टूडेंट काफ़ी इससे खुश होते हैं, जिसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सेलुलोज, इनके स्ट्रक्चर, डेक्स्ट्रो लीवो, डेक्स्ट्रो को लीवो में कन्वर्ट करना, डीनेचुरेशन, म्यूटा रोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम आगे बात करते हैं पॉलीमर चैप्टर की। पॉलीमर चैप्टर में काफ़ी चीज़ें एलिमिनेट हो गई हैं, जैसे कि टाइप ऑफ रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में अगर मैं बोलूं तो एडिशन, कंडेंसेशन रिएक्शन, तो ये टाइप कम हो गए हैं, लेकिन मोनोमर पॉलीमर पड़े जिसमें मेलामाइन, ठीक है, इसके अलावा नायलॉन 6, ब्यूनाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर पे आते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। वो टोटली डिपेंडेंट है कि आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को किस तरीके से पढ़ते हो। बच्चों बहुत सिंपल तरीका है, अगर आप उसमें ड्रग्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में पढ़ते हो, कुछ डेफिनेशन हैं इंपॉर्टेंट उनको ध्यान से पढ़ते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप चीज़ों को लिख लिख के पढ़ें, लिखने से चीज़ें क्रैम हो जाती हैं, और लिखते वक्त बोलें, जब आप बोलते हैं तो आपके ईयर्स उसे सुन रहे होते हैं और वो आपके माइंड में बहुत जल्दी स्टोर हो जाता है। और एक अच्छी सी एडवाइस मैं आपको दूं कि आपके घर में पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, बड़े, किसी को भी जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसको अच्छे से पढ़ने के बाद एक वाइवा के लिए बोलें, और वाइवा देते वक्त वही चीज़ बुक सामने रख दें, आपके पेरेंट्स, आपके बड़े भाई बहन जो भी होंगे उसे सुने, वो चाहे सुने या ना सुने आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, और याद रखें प्री बोर्ड के मार्क्स अच्छे आएंगे तभी बोर्ड में मार्क्स अच्छे आएंगे, बोर्ड में मार्क्स अच्छे आएंगे तो आगे अच्छा एडमिशन होगा, अच्छा क्राउड, अच्छी लाइफ मिलेगी और तभी आप सक्सेसफुल होंगे। हैव ए ग्रेट लाइफ, हैव ए ग्रेट स्टडी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।